मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 10 साल का मासूम बच्चा जख्मी हालत में अपने परिजनों के साथ नंगे पैर फर्श पर बैठा रहा और उसके परिजन हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर खड़े रहे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जख्मी हालत में मासूम बच्चे को भर्ती करना तो दूर, उसको स्ट्रेचर उपलब्ध कराना भी जरूरी नहीं समझा। मासूम बच्चा दर्द के कारण घंटों तक फर्श पर बैठा रोता रहा। परिजन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ पांव जोड़ते रहे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि जब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने मासूम बच्चे के दर्द को समझा और कैमरे में कैद किया, तो इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल के कहने के बाद बच्चे को भर्ती किया गया। वही कॉलेज के प्रिंसिपल मामले का संज्ञान लेकर लापरवाही बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक डेढ़ घंटे से किसी ने आपको देखा नहीं है, क्या हुआ बेटा आपके हाथ में? बाहर तीन चार लौंडे को पटकारे पटकारे किसी ने घर में फेंक दिया। हम देखने गए थे गैर पटक का। तो आपकी चोट ज्यादा आई? तो क्या हुआ यहाँ पे? डॉक्टर साहब ने पट्टी करके थोड़ी सी देर को फिर चले गए। अब यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने तो कोरोना का वहीं बैठो वहीं। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ बिठा दिया है? उन्होंने कहीं वहीं बैठाओ, हमने उन्होंने डॉक्टर साहब ने बैठा फिर चले गए। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने ऐसे बिठाया? बेड नहीं दिया बच्चे को? नहीं। कहाँ बैठे फिर आप? बैठे बाहर के। कब से बैठे आप यहाँ पे? एक घंटा हो गया। एक घंटे से कोई रिलीव नहीं है? अरे इस तरीके से ग्लूकोज की बोतल पकड़ के खड़े में? ये मेरा मामला संज्ञान में आया, जैसे संज्ञान में आया मैंने अपने SIC डॉक्टर के एन तिवारी को तुरंत निर्देश दिया, इस मामले को देखें और बच्चे का तुरंत इलाज कराएं। और उसके ये भी निर्देश दिए हैं कि इसमें जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हों, ऐसा क्यों नहीं उसको किया गया, उसके खिलाफ एक्शन लें और दोबारा पुनः ना हो उसके लिए और सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। सर वहीं परिजनों का आरोप है पूरा एक घंटे से वो बैठे थे, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था उस मासूम बच्चे के साथ में, वो रोता रहा नहीं? देखिए लापरवाही बड़ी हो या छोटी हो, लापरवाही होती है, हम छोटी लापरवाही को भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसके लिए जो भी है कि EMO हमारे MS CMS SIC को कल ने निर्देशित कर दिया है कि वो रेगुलर इमरजेंसी में राउंड लें और देखें कोई अव्यवस्था ना फैले। सर इस अर्थव्यवस्था में अगर कोई दोषी पाया गया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, उचित एक्शन लिया जाएगा।